गाइस किसी वजह से मैं अपना चेहरा दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो आपको इसी से काम चलाना होगा। इसलिए मैं आपसे एक शब्द कहूंगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो गाइस एक हॉरर मिस्ट्री वाली फिल्म हिंदी डब में आई है, आप पूछेंगे कौन सी, तो फिल्म का नाम है एमिलियास चिल्ड्रेन। इसे देखने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का समय देना पड़ता है और इसकी हिंदी डबिंग अच्छी की गई है। और हाँ, आप इसे फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जिससे आपको आइडिया तो हो कि कहानी आखिरकार कहना क्या चाहती है। तो गाइस इसमें एक आदमी को दिखाया गया है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने माँ के घर वापस आता है सालों बाद, और उस घर में उसका भाई भी रह रहा है। तो आखिरकार वह सालों बाद क्यों आता है, उसका कारण क्या है, एंड जब उस घर में वह आता है तो उसे अजीब सी फीलिंग आती है, अजीब अजीब सी चीजें होने लगती है। तो वह अजीब अजीब सी चीजें क्या है, अब वह क्या करता है, यही सब जानने के लिए तो आपको ये फिल्म को देखना पड़ता है। तो गाइस फिल्म अपने हॉरर के नाम पर अपना माल बेचती है, पर फिल्म में आपको डर बिल्कुल नहीं लगता है। पूरा फिल्म देख लेंगे पर आपको डर नहीं लगेगा। मिस्ट्री की बात करूं तो इतना खास भी मिस्ट्री इसमें नहीं दिखाया गया है, बस ओके ओके सा है, बहुत ही बिलो एवरेज मानकर चलिए। फिल्म देखने में इंटरेस्ट नहीं आता है, फिल्म बोर करने में कामयाब जरूर होती है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो सभी ने अच्छी एक्टिंग की है, खासकर जिसकी माँ है उसने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। जिस तरह से उसका मेकअप किया गया है, आप जब देखेंगे तो थोड़ा सा शॉकिंग है जिस तरह से उसका मेकअप किया गया है। परफॉर्मेंस सभी ने अच्छी दी है। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूं तो ठीक ठाक सा है प्रोडक्शन क्वालिटी इसका। तो गाइस इस फिल्म को लेकर मैं फाइनल वर्डिक्ट है कि फिल्म इतना खास नहीं है, मजा नहीं आता है देखने में, और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।